हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो आज हम आपके लिए विंटर स्पेशल में लेके आए हैं पालक चना दाल तड़का। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी बनता है और सर्दियों के मौसम में तो इससे खूब एंजॉय किया जाता है। पालक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो चलिए, हमने इसे कैसे बनाया है, आइए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल तरीका है। सब लोग अलग अलग तरीके से इस पालक दाल तड़का को बनाते हैं, हम आपको एक अलग ही तरीका बताएंगे इसे बनाने का। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कप चना दाल लिया है, इसे मैंने भिगाया नहीं है। आप चाहें तो इसे भिगा के रख देंगे तो ये जल्दी से पक जाते हैं, लेकिन मैंने भिगाया नहीं है। डायरेक्ट मैं इसे अच्छे से धो के वॉश करके इसमें डाल दिया है। और इसमें एक कटोरी अगर आप चना दाल ले रहे हैं तो उसके हिसाब से 3 कटोरी इसमें पानी ऐड करें, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें और साथ में हल्दी पाउडर ऐड करें। और इसमें थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची डाली है और 4 से 5 मैंने इसमें लौंग डाले हैं, देख सकते हैं। बस अब क्या करना है, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 विसल आने तक पकने देना है। बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो मैसी मैसी जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है और ये देख सकते हैं 1 विसल आ भी चुके हैं। ऐसे हम 3 विसल मीडियम फ्लेम पे लगा लेंगे। उसके बाद से गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, प्रेशर कुकर को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर बड़े साइज़ के, जिसको बारीक कट कर लिया है। 2 प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन इसमें पालक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लाता है। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक और हरी मिर्च, जिसको क्रश कर लिया है, और लहसुन मैंने अलग काट के रखा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पालक लिया है। यहाँ पे पालक की क्वांटिटी आप चाहे तो कम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया है। आप चाहे तो 300 ग्राम या 250 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे इसमें पालक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, उसमें डाल दिया है सरसों तेल 2 बड़े चम्मच, ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ में 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और जो हमने लहसुन काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे। जब इसमें कलर चेंज हो जाएगा ना तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लहसुन का कलर है थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इसमें हम बारीक कटे हुए अपने प्याज को डाल देंगे और इसे भी आपको ब्राउन होने तक पकाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लहसुन है उसमें से मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने बचा लिया है, जो कि एंड में मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। तो देखिए, जो प्याज हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। तो क्या करेंगे कि जो अदरक और हरी मिर्च हमने क्रश करके रखे थे उसे डाल देंगे और उससे भी हम तब तक पकाएंगे जब तक उसका जो कच्चापन है वो ना निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी रेड नहीं हुए हैं, इसमें ब्राउन स्पॉट्स आए हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। जब ये अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पे हम जो टमाटर रखे थे उसे ऐड करेंगे और इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नमक हमने दाल में भी ऐड करी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आप नमक ऐड करें। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच यूज़ कर लेंगे और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच यूज़ करें 1 छोटा चम्मच मिक्स मसाले, जिसमें धनिया जीरा और काली मिर्च का पाउडर है, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारे मसाले हैं वो ऑयल ना रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से मैश हो चुके हैं, गल चुके हैं और ऑयल भी रिलीज हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पालक। पालक को हम अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ, अच्छे से इस मसालों के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद से इसको ढक के हम पकाएंगे, क्योंकि जो पालक है अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें पानी आपको नहीं डालना है क्योंकि पानी इसमें खुद पालक का होता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसे हम ढक देते हैं। आप चाहे तो बिना ढक के भी पका सकते हैं, तब तक अपने दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसे ओपन करके देख लेते हैं। जो हमारी दाल है बिल्कुल मतलब गली नहीं है, और वैसे भी चना जो दाल होता है वो गलता नहीं है, जल्दी खड़े खड़े से रहते हैं, और जो अरहर दाल होता है वो एकदम घुल से जाते हैं। बस आपको चना दाल को इतना ही पकाना है। और यहाँ पर पालक को भी देख लेते हैं, ये देखिए जो पालक है अच्छे से पानी रिलीज कर चुके हैं, देखिए। तो थोड़ी देर हमें इसे और पका लेना है, क्योंकि जिस बहुत लोगों को पालक भी नहीं पसंद है, मेरे घर में ही बहुत लोग, जैसे इनके पापा हैं, चाचू हैं, इन लोग पालक ही नहीं पसंद है,
तो मैंने एकदम मैसी कर दिया, मसालेदार स्पाइसी बनाया है, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब देखिए अच्छे से पालक भून चुका है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया है ये चना दाल, और इससे हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो चना दाल है मसालों के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, पालक के साथ उसका फ्लेवर आ जाए, इसलिए हम 4 से 5 मिनट इसे पकने देते हैं। ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद जो हमारे दाल हैं पालक दाल वो अच्छे से पक चुके हैं। तो एंड में इसमें हम एक तड़का लगाएंगे हींग वाला, हींग के बिना तो पालक दाल बिल्कुल ही अधूरा है, तो इसे हम साइड में रखेंगे और एक तड़का पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने लास्ट में स्टार्ट में बताया था कि लहसुन रखा है 1 चम्मच, वो लहसुन ऐड कर देंगे, यहाँ पे हींग ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा कलर इस पर आ जाएगा लहसुन में। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। गैस की फ्लेम आपको पहले ही ऑफ कर देना है, नहीं तो जो लाल मिर्च होता है वो जल जाते हैं जल्दी से। अब क्या करेंगे कि फटाफट इस तड़के को डालेंगे अपने पालक दाल में, और ये जो कलछी है इसमें भी हम डाल के थोड़ा सा उसमें गिरा देंगे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब इसको कवर कर देंगे ताकि जो इसका स्वाद है फ्लेवर है वो बाहर ना आए। थोड़ी देर बाद हम इसको हटाएंगे, और ये देखिए तड़के की जो खुशबू है ना पूरे घर में मतलब महक रही है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस लास्ट वाले तड़के से। तो आप इसे स्किप ना करें, ज़रूर ऐड करें, तड़का दें और अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद से गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे सर्व करें। देखिए ये हमारा पालक चना दाल तड़का रेडी है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।